रिएक्शन टरबाइन जो है इसको आप प्रेशर टरबाइन भी कहते हैं, रिएक्शन टरबाइन को प्रेशर टरबाइन भी कहते हैं। वाटर इंटर्स द टरबाइन अंडर प्रेशर आफ्टर पासिंग थ्रू दी गाइड वेन्स। तो इसमें जो वाटर फ्लो करता है वो अंडर प्रेशर फ्लो करता है आफ्टर पासिंग थ्रू दी गाइड वेन्स, वेन से पास करने के बाद। मोस्ट कॉमन टाइप्स आर फ्रांसिस, जिसको कि जेम्स बी फ्रांसिस ने बनाया था, तो उसके नाम के हिसाब से इसका नाम भी फ्रांसिस टर्बाइन रख दिया गया है। ये एक अमेरिकन इंजीनियर था, 1815 से 1892 इसका लाइफ टाइम था इस साइंटिस्ट का। और एक दूसरी होती है कपलान, जिसको वी कपलान ने बनाया था, ये ऑस्ट्रियन इंजीनियर था और ये 1876 को पैदा हुआ था और 1934 में इसकी डेथ हुई थी। तो रिएक्शन टरबाइन में हमारे पास आगे दो टाइप आ जाती है, फ्रांसिस टरबाइन और कपलान टरबाइन। इसको भी हम स्टडी करेंगे दोनों को, इन दोनों में क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं। तो रिएक्शन टरबाइन की अगर मजीद हम डिटेल में जाएँ, तो इन दिस टाइप ऑफ टरबाइन फ्लो टेक्स प्लेस अंडर प्रेशर इन द क्लोज चैम्बर एंड एटमोस्फेरिक एयर हैज नो एक्सेस एट एनी पॉइंट। इस टरबाइन में जो फ्लो करता है वाटर, वो अंडर प्रेशर करता है चैम्बर में, क्लोज चैम्बर में, और एयर जो है इसमें नहीं होती, उसे एक्सेस नहीं होती, वो इसमें नहीं होती। द वाटर इंटर्स ऑल अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द व्हील अंडर प्रेशर, व्हील पैसेज कंप्लीटली फुल विद वाटर एंड फ्लोज ओवर द वेन्स। इन द प्रोसेस ऑफ पासिंग ओवर द वेन्स द प्रेशर हेड इज कन्वर्टेड इनटू वेलोसिटी हेड एंड इज फाइनली रिड्यूस्ड टू एटमोस्फेरिक प्रेशर बिफोर लीविंग द व्हील। इसका मतलब ये है कि पानी जो है वो स्ट्राइक करता है वेन के साथ, तो वो जो प्रेशर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है वेलोसिटी के साथ, क्योंकि वेन्स जो है वो मूव करती हैं, एंड इज फाइनली रिड्यूस्ड टू एटमोस्फेरिक प्रेशर बिफोर लीविंग द व्हील। रिएक्शन टरबाइन यूटिलाइजेस प्रेशर एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। जो वाटर की प्रेशर एनर्जी है उसको भी ये यूज करती है और काइनेटिक एनर्जी भी यूज करती है। एज ओनली अ पार्ट ऑफ द अवेलेबल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू वेलोसिटी हेड एट द एंट्रेंस टू द रनर एंड द बैलेंस अ सब्सटेंशियल पोर्शन रिमेंस एज प्रेशर हेड। वाटर एंटरिंग द टरबाइन हैज प्रेशर एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी एंड द व्हील रोटेट्स अंडर द एक्शन ऑफ बोथ ऑफ दीज फोर्सेस। तो यही कह रहा है कि जो हमारे पास प्रेशर और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो लेके वाटर जो है वो टर्बाइन में आता है अंडर प्रेशर, और जो व्हील जो है वो रोटेट करता है फिर उस वाटर के फ्लो से अंडर द एक्शन ऑफ बोथ ऑफ दीज फोर्सेस। जो वाटर का प्रेशर होती है, काइनेटिक एनर्जी है, वो उसको हेल्प करती है व्हील को रोटेट करने में, ये दोनों फोर्सेस जो होती है। इट ऑब्टेन्स रोटेटिव फोर्स बाय डिफ्लेक्टिंग द फ्लो ऑफ वाटर इन क्लोज पैसेज एंड यूटिलाइजिंग द कंसीक्वेंट रिएक्शन। द वाटर लीविंग द टरबाइन इज मच हायर देन दैट ऑफ द आउटलेट। Since the water is under pressure, the wheel must run full and is entirely submerged below the tail rays. Wheel को जो है वो submerged होना चाहिए tail rays. Tail rays कहते हैं at end of the जहाँ से water ने discharge होना है. It may also discharge into the atmosphere or a place about 9 meter above the foot of the fall and discharge into section of draft tube. ये जो draft tube वगैरह है और ये चीज़ें भी हम आगे पढ़ेंगे, इसके जो components होते हैं turbine के, ये टोटल उसका थीम है कि किस तरह टरबाइन जो है वो वर्क करती है। आर रिएक्शन टरबाइन हैज अ वाटर टाइट केसिंग। हर टरबाइन के ऊपर एक केसिंग होती है, इसकी भी केसिंग है जिसमें वाटर टाइट होती है, उसमें वाटर अंदर इंटर नहीं हो सकता। मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग द क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट इक्वली ओवर द एंटायर रनर टेक एंड ड्राफ्ट ट्यूब। द व्हील मे रन इन द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोजिशन, मोर कन्वीनियंट इन द हॉरिजेंटल पोजिशन ऑन अकाउंट ऑफ मोर एक्सेसिबिलिटी। इसमें व्हील वैसे तो वर्टिकल भी मूव कर सकता है, लेकिन कन्वीनियंटली आसानी के साथ वो हॉरिजेंटल पोजिशन में होता है ताकि वो ज़्यादा एक्सेस कर सके वाटर को। द प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ रिएक्शन टरबाइंस, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि एक उसमें फ्रांसिस टरबाइन होती है, दूसरी प्रोपेलर टरबाइन, एडजस्टेबल ब्लेड एंड फिक्स ब्लेड प्रोपेलर टरबाइन एंड कपलान टरबाइन। जो मेजर टाइप्स हैं वो उसकी फ्रांसिस टरबाइन होती है और कपलान टरबाइन होती है। तीसरी टाइप भी होती है जिसे हम प्रोपेलर टरबाइन एडजस्टेबल ब्लेड कहते हैं, इसमें आप ब्लेड को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कपलान में ब्लेड जो है वो फिक्स होता है।
अब इनके कंपोनेंट्स हम देख लेते हैं। कंपोनेंट्स में एक इसका पेन स्ट्रोक है। पेन स्ट्रोक का मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डैम की रिजर्वायर होती है उधर से टर्बाइन तक जो वाटर लाया जाता है वो पेन स्ट्रोक की मदद से लाया जाता है। दूसरा ये केसिंग है। केसिंग जो है वो कवरिंग बॉडी होती है की टर्बाइन की। गाइड व्हील एंड गाइड वेन्स और ब्लेड्स है। रनर एंड रनर वेन्स है और ड्राफ्ट ट्यूब है। ये उसका एक समझाने के लिए बताया गया कि ये वाटर आ रहा है पेनस्ट्रोक से रिजर्वायर से टर्बाइन में। ठीक है, ये जो है इसका रनर है ये वाला जिस पे ब्लेड्स लगे हुए हैं। ये सेंटर में इसकी शाफ्ट है, ये सर्कल वाली ये शाफ्ट है इसकी। ये रनर वेन है और ये रनर है। ये जो है आउटर बॉडी जो है ये सारी ये केसिंग कहते हैं। ये सारी आउटर बॉडी है ये केसिंग। ठीक है, ये वाले गाइड ब्लेड हैं, ये रनर वेन है, ये रनर है, ये गाइड व्हील है ये वाले। ये इसका एक और व्यू बताया गया है। ये टेल रेस है, मतलब वाटर जब टरबाइन से निकलेगा तो उसको जो चैनल होता है उसको टेल रेस कहते हैं। ये वो शाफ्ट है सेंटर में ये वाली, और ये जो सारी है ये केसिंग होती है, ये जो आउटर बॉडी होती है टरबाइन की सो केसिंग बोलते हैं। तो ये सबसे पहले हमारे पास है पेनस्टॉक। व्हाट इज पेनस्टॉक? इट इज़ अ लार्ज साइज कंडूट। ये वैसे मैंने आपको पहले बताया भी है कि डेट कन्वेज वाटर फ्रॉम द अपस्ट्रीम ऑफ द डैम रेजरवायर टू द टर्बाइन रनर। कि जो रेजरवायर से पानी जो है वो पेनस्ट्रोक के जरिए, ये पेनस्ट्रोक पाइप होते हैं कंडूट होते हैं बड़े बड़े साइज के, ये टर्बाइन तक आते हैं तो इसको पेनस्ट्रोक कहते हैं। ये वाटर लेके आता है रेजरवायर से टर्बाइन तक। ये केसिंग है, ये आउटर बॉडी होती है टर्बाइन की। स्पाइरल इन शेप थ्रू विच वाटर फ्लो पेनस्टॉक एंटर्स द टर्बाइन। क्रॉस सेक्शन ग्रेजुअली डिक्रीजेस टू मेंटेन वेलोसिटी एंड प्रेशर। यूजली मेड ऑफ स्टील और कंक्रीट एंड इज वाटर टाइट। ये या तो कंक्रीट, क्योंकि आपको पता है वाटर टाइट होनी चाहिए, ये या तो कंक्रीट की होती है या स्टील की होती है, ये वाटर टाइट होती है ताकि पानी बाहर से ना जाए टर्बाइन के अंदर, वही पानी हो जो पेनस्टॉक से। तीसरे नंबर पे हमारे पास है गाइड व्हील एंड गाइड वेन्स। गाइड व्हील एंड गाइड वेन्स। गाइड व्हील इज स्टेशनरी। गाइड व्हील इज स्टेशनरी है सर्कुलर इन शेप। गाइड व्हील जो है वो सर्कुलर इन शेप होता है, व्हील है तो सर्कुलर शेप होता है। फिटेड विद गाइड ब्लेड्स, इस पे गाइड ब्लेड्स लगे होते हैं टू गाइड वाटर इनटू रनर वेन्स। गाइड ब्लेड्स हेल्प इन शॉक लेस स्ट्राइकिंग ऑफ वाटर ऑन रनर ब्लेड्स। ये हेल्प करते हैं शॉक लेस स्ट्राइकिंग ऑफ वाटर और रनर ब्लेड के, जब पानी जो है वो स्ट्राइक करे तो उसकी आवाज़ शॉक ना हो, मतलब वो वाइब्रेट ना करे, तो गाइड ब्लेड्स इसलिए लगाए जाते हैं। इसके बाद है रनर एंड रनर वेन्स, जो मैंने अभी फिगर में आपको दिखाया था। रनर इज द सर्कुलर व्हील हैविंग रेडियल वेन्स, रेडियल कर्व्ड इंस्टॉल्ड ऑन इट। इसके जो वेन होते हैं वो रेडियल होते हैं, ये एक सर्कुलर व्हील होते हैं। रनर वेन्स हैव अ स्मूथ सरफेस एंड आर शेप टू इंश्योर दैट वाटर इंटर एंड लीव विदाउट शॉक। तो इनकी जो शेप इस तरह रखी जाती है और सरफेस भी स्मूथ होती है ताकि वाटर की वजह से कोई शॉक ना हो, कोई वाइब्रेशन ना हो। मेड ऑफ आयरन और स्टेनलेस स्टील एंड आर की टू द शाफ्ट। ये शाफ्ट के साथ जुड़ा होता है और ये आयरन या स्टील का बना होता है। उसके बाद है ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब के हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं। एक होती है मूडी स्प्रेडिंग ट्यूब, एक सिंपल एल्बो, एक एल्बो टाई विद सर्कुलर इनलेट एंड रेक्टेंगुलर आउटलेट। द मोस्ट कॉमन टाइप इज द स्ट्रेट डाइवर्जेंट टाइप। द कोन एंगल शुड नॉट बी मोर देन 8 डिग्री, अदरवाइज इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एडीज। तो ये ड्राफ्ट ट्यूब की डिफरेंट शेप्स बताई हुई हैं। ये एल्बो टाइप है, ये सिंपल एल्बो टाइप है, ये मूडी स्प्रेडिंग है, इसमें वाटर जो है वो स्प्रेड कर रहा होता है इसलिए इसे मूडी स्प्रेड कहते हैं। ये इस तरह से स्प्रेडिंग शेप होती है इसकी।
और ये स्टेट डिवीजन टाइप होती है, वाटर जो है वो इस तरह से फ्लो करता है स्टेट पार्ट। तो आगे हमारे पास